तो यार स्वागत है आप सभी का SPO गेमिंग हिंदी में, और मैं हूँ आपका दोस्त SPO। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ये स्काई ब्लॉक सर्वाइवल सीरीज़। और ये जो सीरीज़ का जो मैप है वो ब्लैक क्लू गेमिंग से इंस्पायर्ड है और उन्हीं से प्रोवाइडेड है। तो चलिए सबसे पहले मैं इस पेड़ को तोड़ लेता हूँ। तो यहाँ से हमें एक ना एक सैपलिंग तो मिलनी चाहिए, वरना गेम कंटिन्यू नहीं हो पाएगा। और देखते हैं इसमें सैपलिंग मिल पाती है या नहीं। बाकी हमको इसमें सिर्फ ये एक ट्री और एक डर्ट मिलेगा और उसी से हमको सर्वाइव करना है। तो यार ये चैनल पे मेरी पहली वीडियो है, तो आप नई होंगे, तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। उससे मुझे मोटिवेशन भी मिलेगा और मुझे पता चलेगा कि कोई ना कोई तो देख ही रहा है। तो हम इस ट्री की जो लॉग्स हैं वो काट लेते हैं। और ये हो गया, अभी तक हमें सैपलिंग नहीं मिली, देखते हैं अगर मिल जाए तो। पहले मैं क्राफ्टिंग टेबल बना लेता हूँ, तो इससे प्लैंक्स बना के क्राफ्टिंग टेबल बनाता हूँ। और इसको मैं यहाँ लगा देता हूँ नीचे पे, इन पत्तियों को हटा दूँ और यहाँ पे लगा देते हैं। वो एक सैपलिंग मिल गई हमें, अब देखते हैं अगर हमें और मिल पाती है तो अच्छा रहेगा, हमारे पास बैकअप हो जाएगा सैपलिंग्स का। पहले मैं थोड़ा सा प्लेटफॉर्म बना लेता हूँ। इस प्लैंक से हम पहले स्लैब्स बना लेते हैं ताकि थोड़ी घूमने फिरने की जगह भी हो जाए। और यार ये सीरीज़ का पहला एपिसोड है तो थोड़ा बोरिंग हो सकता है, क्योंकि इसमें बस हमें ट्रीज उगाना है और वुड इकट्ठा करना है, तो थोड़ा सा बोरिंग होगा। तो उम्मीद है अभी तो मैं आपको बोर नहीं कर रहा हूँगा, ठीक है। और थोड़ा सा ये प्लेटफॉर्म बना लेते हैं हम, और थोड़ा सा सराउंड कर लेते हैं इसे ताकि कोई सैपलिंग भी ना गिरे और हम भी थोड़ा सा घूम पाए, क्योंकि एक ही ब्लॉक पे खड़े खड़े थोड़ा वो अजीब हो जाता है। तो देखते हैं हमें और सैपलिंग मिल पाती है। एक और मिल गई, इसको थोड़ा एक्सपेंड करते हैं। और ये थोड़ा सा एक्सपेंड हो गया, थोड़ी सी हमें जगह मिल गई। अब बाकी की लीव्स भी तोड़ते हैं। और ये बाकी की आखिरी लीव, हमें एक सैपलिंग तो मिल गई तो थोड़ा बैकअप हो गया। बाकी इसको एक्सटेंड कर लेते हैं थोड़ा सा ताकि थोड़ी और स्पेसिंग मिल जाए हमें घूमने के लिए। तो ये धीरे धीरे मैं एक्सपेंड कर रहा हूँ और शाम भी होने वाली है। अभी मैंने स्लैब्स नीचे की तरफ लगाए हैं तो यहाँ पे तो कोई स्पॉन नहीं होगा, और इसी वजह से मैंने नीचे की तरफ लगाए हैं। और थोड़ा सा इस साइड से भी कर देते हैं। बाकी ये थोड़ा सा एरिया हमारा बन गया, हमने ट्री भी प्लांट कर दिया। और एक ही लीफ बच्चे, इसको भी तोड़ लेते हैं, और इससे एक और सैपलिंग मिल गई। तो अभी इतना काम हमारा हो गया, अब इस ट्री के ग्रो होने का वेट करना है हमें। तो जब ये ग्रो हो जाएगा मैं अभी मिलता हूँ आपसे। तो यार वेलकम बैक। और ये ट्री हमारा जो दूसरा ट्री था वो भी उग गया, और इसे उगने में बहुत टाइम लग गया सही में, मतलब माइनक्राफ्ट के 2 दिन लग गए इसको उगने में। तो हम इसको भी अब तोड़ते हैं, इसकी भी वुड कलेक्ट कर लेते हैं, और यहाँ पे एक सैपलिंग लगा देते हैं फिर से। और मैं थोड़े प्लैंक्स बनाता हूँ और थोड़े से स्लैब्स बना लेता हूँ ताकि ये जो एरिया है थोड़ा सा और एक्सपेंड कर सकूँ मैं, क्योंकि ये थोड़ा अजीब सा लग रहा है, ऐसे अनइवन सा लग रहा है। इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करता हूँ।
थोड़ा सा यहाँ से भी एक्सटेंड कर देते हैं। तो यहाँ से जो मैं एक्सटेंड कर रहा हूँ, ये मैं स्पॉनर के लिए एक्सटेंड कर रहा हूँ। मतलब दूरी पे हम एक प्लेटफॉर्म बनाएंगे जहाँ पे जब अंधेरा होगा तो मॉब्स वगैरह स्पॉन होंगे, और ये बाकी का वुड तोड़ लेता हूँ मैं। और इस वुड से हम सॉरी गलती से प्लेस हो गया। तो अब हम इसके भी प्लैंक्स बनाते हैं, और इसका हम लोग एक चेस्ट बना लेंगे ताकि थोड़ा सा जो भी मतलब हमारे पास सामान मिलता है, अभी तो कुछ भी नहीं मिलेगा वैसे, पर जितना भी सामान मिलेगा उसको हम स्टोर कर पाएँ। जैसे कि ये जो सैपलिंग है, अगर हम बाय चांस यहाँ से गलती से भी गिर गए तो ये सैपलिंग सारी चली जाएंगी। वैसे मैं हार्ड मोड पे खेल रहा हूँ तो इसमें कीप इन्वेंट्री का ऑप्शन भी होगा नहीं, और ना मैं करना चाहता हूँ क्योंकि हार्ड मोड में खेल रहा हूँ। तो थोड़ा सा यहाँ से एक्सटेंड कर लेते हैं, इसको थोड़ी दूरी तक एक्सटेंड करेंगे और फिर वहाँ पे एक प्लेटफॉर्म बनाएंगे। इस एपिसोड में तो शायद नहीं हो पाएगा, अगले एपिसोड में करेंगे वो। और इसको यहाँ लगा देता हूँ, और वहाँ पे एक और सैपलिंग आ गई, और बाकी की लीव्स भी तोड़ लेता हूँ मैं, देखता हूँ कुछ मिल पाता है तो। और यहाँ एक और सैपलिंग मिल गई हमें, और इसको तोड़ते हैं, देखते हैं। इसे काफ़ी हार्ड है, और आप लोग अगर मेरी वीडियो देख रहे हैं तो जानते होंगे ब्लैक क्लू गेमिंग ने भी एक ये सीरीज़ की थी। तो इस सीरीज़ को आप एक नॉस्टैल्जिक सीरीज़ के रूप में भी देख सकते हैं, आप चिल मारने के लिए भी देख सकते हैं। क्वारंटाइन चल रहा है, लॉकडाउन चल रहा है, जब तक मैं अपलोड करूँगा तब तक तो शायद लॉकडाउन ख़त्म भी हो गया होगा, पर फिर भी आप बने रहिए, देखिए। और इतना काम तो हमारा हो ही गया है, अब बाकी थोड़ा ये जो स्पॉनर के लिए जो स्पेस है इसको भी एक्सटेंड करना पड़ेगा, और इस ट्री के ग्रो होने का वेट करना है। तो मैं मिलता हूँ आपसे जब ये ट्री ग्रो हो जाएगा। वेलकम बैक फिर से, और ये जो ट्री है हमारा ग्रो हो गया। इसको भी ग्रो होने में माइनक्राफ्ट के 2 दिन लग गए, बहुत टाइम ले रहे हैं, बहुत टाइम। तो इसको भी हम काट लेते हैं, मतलब मुक्के मार मार के तोड़ लेते हैं। और ये ट्री काफ़ी छोटा है, इसमें 4 लॉग्स ही मिले, तो इससे हम थोड़े और प्लैंक्स बनाते हैं। और फिर से हम स्लैब्स बना लेते हैं ताकि ये जो हमारा एरिया है इसको थोड़ा सा और एक्सपेंड कर सकें। बाकी के प्लैंक्स मैं संभाल देता हूँ अभी। और इस चीज़ से हमें एक एप्पल भी मिल गया, तो थोड़ा खाने का भी हो गया। बाकी जैसे जैसे सीरीज़ आगे बढ़ेगी मैं आपको सब बताता रहूँगा कि कैसे हमें क्लियर करना है, कैसे हम नेदर में जाएंगे, कैसे एंडर ड्रैगन को मारेंगे। तो आप देखते रहिएगा, थोड़ा सा इसको आगे ले जाऊँगा मैं ताकि थोड़ी प्रिपरेशन अभी से ही हो जाए। अभी तो ये पहला एपिसोड है तो शायद ये 10 मिनट का ही होगा। बाकी स्ट्री की लीव्स को हम देखते हैं अगर कुछ और मिलता है तो। और एक और एप्पल मिल गया हमें, और इन प्लैंक्स का भी हम स्लैब्स बनाते हैं ताकि थोड़ा सा एरिया एक्सपेंड हो जाए। तो हम यहाँ पीछे की साइड से भी एरिया एक्सपेंड करते हैं, और एक और सैपलिंग मिल गई हमें,
और हम यहाँ से एक्सपेंड करते हैं थोड़ा सा, और पहले इसको इस एक स्लैब को लगा देते हैं यहाँ पे, और फिर हम वहाँ से एक्सपेंड करते हैं थोड़ा सा अपना एरिया, ताकि थोड़ा और रूम मिल जाए हमें घूमने के लिए। तो इसको यहाँ लगा देता हूँ, बाकी यहाँ पे और हम थोड़ा सा एक्सपेंड करते हैं। ओ, ये गलत लग गया। अब इसको तोड़ूंगा तो पता नहीं मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि जब एक ऊपर से स्लैब तोड़ते हैं तो नीचे वाला भी टूट जाता है। तो पहले यहाँ से एक्सपेंड कर लेते हैं, फिर इसको देखते हैं। और ये यहाँ पे लगा देता हूँ, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे और ये यहाँ पे। इसको तोड़ के देखते हैं अब। तो स्लैब्स इस साइड गिर गए, मतलब मिल जाएंगे हमें। तो नीचे नहीं गिरा, और वहाँ पे एक और सैपलिंग आ गई, और इसको यहीं रख देता हूँ, इसका अभी कोई यूज़ नहीं। और यहाँ एक और सैपलिंग आ गई, और पत्तियाँ तोड़ के देखते हैं कुछ मिलता है। और कुछ भी नहीं मिला जैसा कि सोचा था। तो अब इस सैपलिंग को यहाँ लगा देता हूँ। तो अभी हमें इसका भी उगने का इंतज़ार करना होगा। तो यार आज का काम तो हमारा हो गया, हमने थोड़ा बहुत इसे एक्सपेंड किया है और दो तीन ट्रीज उगाए, और बाकी हमने चेस्ट में अपना आइटम स्टोर किए। और बाकी अगले एपिसोड में हम मॉब स्पॉनर भी बनाएंगे, और कोशिश करेंगे कि हमें और डर्ट मिल पाए या हमें कोबलस्टोन मिल जाए। तो देखने के लिए थैंक यू यार, और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, क्योंकि आगे इस सीरीज़ में और भी अमेजिंग एपिसोड्स आने वाले हैं। थैंक यू एंड बाय।